चीफ मिनिस्टर आर्मी का पूछा है मैंने, पाकिस्तान का नहीं। हवलदार हमें नहीं पता, हवलदार चाहिए। कर्नल नहीं, कर्नल नहीं है, लेकिन कर्नल के ना खड़े होके क्यों मुझे वो कर रही हो? बता दे हैरी पॉटर असल हीरो मैं आपको दिखाऊं, वो ये ऋतिक रोशन का। पेशावर जलमी कुछ बोल दो आप, इस पे बोल दो। पेशावर का ऐसा लड़शप एक खबर है कि मैं स्टोर मार देता हूं। चोटी चोटी पहाड़ का नाम बोला है मैंने। ब्रेकअप हुआ है फिर? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अब्दुल वासे और आप देख रहे हैं अब्दुल वासे ऑफिशियल। जी तो व्यूवर्स, आज हम लोग आए हैं सर समीर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों से किए हैं बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और बच्चों के जो रिएक्शंस हैं हमें तो बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक एंड तक देखना है। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पाकिस्तानी फौज का सबसे आला तरीन सरकारी ओहदा कौन सा है? चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर आर्मी का पूछा है मैंने, पाकिस्तान का नहीं। और कोई कुछ कहना चाह रहे हो? ये बोलना कायदे आजम। कायदे आजम नहीं, कायदे आजम नहीं है बेटा। और कोई लड़कियों में से कोई? हवलदार सबसे आला ओहदा हवलदार का। मैं क्या बोलूं उसको? कमांडो। कमांडो नहीं, कमांडो नहीं है। ओहदा क्या है? ओहदा मार फोर एजेंट्स नहीं। अच्छा आर्मी चीफ डिक्टेटरशिप। आर्मी चीफ डिक्टेटरशिप हमें नहीं पता, हवलदार सही है। अरे हराम ही हो बेटा। मैं हवलदार मंगवा देता हूँ एक। मेजर नहीं है। सबसे आला ओहदा क्या होता है? आर्मी चीफ और जनरल ब्रिगेडियर कोई तो लो, उसको लो। कर्नल नहीं, कर्नल नहीं है, लेकिन कर्नल के ना खड़े होके तू नहीं, कर्नल नहीं है बेटा। डीजी रेंजर। डीजी रेंजर्स मैंने आर्मी का पूछा। बता दे हैरी पॉटर। गजब बेइज्जती है। इमरान खान बोल रहे हैं। क्या बोले? इमरान खान खत्म बेटा। इमरान खान तो वैसे ही आला है, लेकिन वो ओहदा आर्मी का मुझे बताओ। और ओहदा कैसे समझाऊं मैं? ओहदा होता है डेजिग्नेशन। अच्छा इसका आंसर चलो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी फौज का आला तरीन सरकारी ओहदा जो है वो जनरल है। जनरल इतना इजी था। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? किसने चीची किया पता था? अभी चीची कैसे लगा किया? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। पाक भारत 1965 की जंग का हीरो कौन था? पाक भारत 1965 की जंग का हीरो कौन था? असल हीरो मैं आपको दिखाऊं, वो ये। सर मैं कहां से हीरो बन गया सर? नहीं लग रहे हो हीरो माशाल्लाह यार। सर ऋतिक रोशन था। क्या बात है। राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास नहीं, राशिद मिन्हास नहीं है। चाहत अली खान मतलब कुछ भी नहीं भाई, चाहत अली खान नहीं है। चाहत अली खान तो उस टाइम था भी नहीं। तैयारी चली होगी उसकी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं चाहत अली खान नहीं है। बैठ जा भाई। मेजर अजीज भट्टी। पूरा नाम क्या उनका? पूरा नहीं पता, इतना ही पता। चलो यही है जवाब, थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे इनके लिए। नाम क्या आपका? सैयदा कोमल। कोमल ये आपका छोटा सा कैश प्राइज। थैंक यू। पेशावर का लफ्जी मतलब क्या है? किसने बोला? जलमी। पेशावर जलमी। तुमसे ना हो पाएगा। इतना सीरियस क्यों गया? बड़ा ऑपरेशन हुआ तुम्हारा। जलमी नहीं है, कुछ बोल दो। बोल दो आप, इस पे भी बोल दो। पेशावर का ऐसा लड़शप एक खबर है कि मैं स्टोर मार देता हूं। मुझे पहले इसका मतलब समझाओ फिर मैं। सर ये तो नहीं पता मार को। नहीं पता किसी को? चलो इसका भी बताया था आपको। पेशावर का लफ्जी मतलब है फूलों का शहर। किसने बोला नस्वार? नस्वार किसने बताया आपको? अबे नस्वार किस नस्वार होती क्या पता आपको? नहीं पता। पेशावर का मतलब नस्वार है। बच्चों को अच्छी चीज सिखाओ भाई। चलो ठीक है, लेकिन नस्वार नहीं है बेटा, क्या हो गया उसको? खैबर पख्तूनख्वा का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? चोटी।
पहाड़ का नाम बोला नहीं पता। केटू का पहाड़? केटू का पहाड़ नहीं, केटू का पहाड़ नहीं है। तो बोलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऐसे ही पहुंच गए? पता नहीं सर, गई नहीं, पहाड़ों का शौक ही नहीं है मार को। मारखो? मारखो ये कौन सा पहाड़ है? नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नमक का पहाड़ है? नमक का पहाड़? नमक का पहाड़? अबे यार भाई नमक का पहाड़ नहीं है, पख्तून का होगा। सबसे ऊंचा पहाड़ मैंने पूछा, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? केटू का होगा। और कौन कौन से? सारे बता दो आज, यही बता। और सर इसका जवाब नहीं पता, इसका जवाब नहीं पता। बाकी पहले तीनों को दे दिए सर, मैंने सोचा बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए सर। सर सारे जवाब मैं बता दूंगा तो बच्चों का मौका कहां से मिलेगा सर? आप ये भी सही है। कौन है ये लोग? कोरा करम नहीं, और कोई? सही है, और कोई है ही नहीं खैबर पख्तूनवा। बताओ ना, आप बताओ, आप भी हाथ खड़ा करी थी, ये भी वही बोल रही थी। करा करम है वैसे, वो कोरा करम नहीं है। करा करम है नहीं, माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं। ब्रेकअप हुआ है? सोच रहे करने का, ऐसे सोचते हैं यार। अब चीटिंग करके दिया है, सही दिया है, मुझे नहीं पता। क्लैपिंग करते थोड़ी सी के लिए। लाइबा, लाइबा ये हमारे दर्श का आपकी छोटा सा कैश प्राइज। थैंक यू। तो मैं पूछूंगा तुमसे, खत्म होने दो हमारा ये। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा और कहाँ है? म्यूजियम एक ही बता दे बहन आप। पीएफ म्यूजियम? पीएफ म्यूजियम नहीं, नहीं पीएफ म्यूजियम नहीं। और सर लाड़काना? बोलो बोलो सैना बेटा, हम पैसे वापसी लेंगे नहीं, बेफिक्र करो। रुको जरा, सबर करो, मैं बैठ जाता हूँ। आप पूछिए। बताओ। मैंने कहा मेरे घर पर। ये ले। कहाँ है नेशनल भाई? इस्लामाबाद। नहीं भाई, ये पता कैसे चला तुम सबको? बताओ मुझे पहले। आज मैं सोच रहा हूँ सबके फोन लेके ना घर जाके मोबाइल का म्यूजियम बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। कराची में? कराची में कहाँ है? हैदराबाद। कराची में? किधर है कराची में? इमेजिनर रोड नेशनल म्यूजियम कराची, बिल्कुल कराची में। थोड़ी सी क्लैपिंग कर दे समीर के लिए। समीर ये आपका हमारे तरफ थोड़ा सा कैश प्राइज आ गया। आ गया। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? ओए चमेली। हॉकी। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा? हॉकी। गुलाब। गुलाब कौमी दरख्त बोला है मैंने, कौमी दरख्त। नारियल का? नारियल का नहीं, नारियल का नहीं है। नीम। खजूर का? खजूर का नहीं। बेरी का? बेरी। आम? आम नहीं है। पीपल? पीपल का भी नहीं है। सारे फ्रूट गिनवा दिए इन्होंने मुझे। सूरजमुखी सनफ्लावर नहीं, जिस पेड़ से ग्लू निकल, हमने पता जिस पेड़ से ग्लू निकल नहीं। पपीता? पपीता, पपीता, एप्पल, एप्पल। आम का पेड़? पपीते का? नहीं पपीता नहीं है। नीम का दरख? नीम नहीं है। खजूर का? बरगद का नहीं। बेरी? एक मिनट हिंट देना चलता हूँ मैं। उसका नाम जो है वो डी से स्टार्ट होता है। डियोडर? डोनल्ड? 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 नहीं आ रहा। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं।